अस्सलाम वालेकुम हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज का दिन हम करते हैं शुरू। तो अभी जो है ना, मैं पूरी बार रेडी हो चुकी हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। और आज मैंने एक मेरा न्यू बैग लिया है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, और चलो इको बैग जिसको बोलते हैं, तो वो दिखाती हूँ। और उसमें मैंने सामान भी डाल दिया है। अभी चलते हैं बाहर काम से और आपको मिलाते हैं मैगी से सबसे पहले, क्योंकि मेरे साथ रूम में अभी सिर्फ मैगी है और मेरे मुँह के अंदर जो है ना विटामिन सी की टेबलेट है, तो इसलिए अवॉइड करना उसको। हेलो मैगी, मैगी गुड मॉर्निंग। ये कोई मूड में नहीं है, सुस्त सुस्त लगी पड़ी है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ आज। और ये रहा मेरा न्यू बैग, काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी क्यूट है। इसमें बहुत सारा सामान जो है ना वो आ चुका है, और ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा मुझे। आप लोग बताना आप लोगों को ये कैसा लगा। ऐसे बैग्स मैं पहले काफ़ी यूज़ करती थी, फिर पता नहीं क्यों मैंने छोड़ दिया यूज़ करना, क्योंकि सारा सामान जो है ना, जब से मेरी शादी हुई है मैं इमोन को देती रहती हूँ मैं सारे सामान। तो अभी फाइनली मैंने मेरा बैग जो है ना ले लिया है। इसमें मेरे कार्ड्स, पैसे और घर की चाबी, जो भी एक्स्ट्रा कुछ टॉफीज, कैंडीज, ऐसी ऐसी चीज़ें, आलतू फालतू वाली चीज़ें कुछ, और कुछ काम की चीज़ें मिला जुला के डाल दिए। तो इसलिए अभी ये बैग जो है ना डेली मुझे ही लेना पड़ेगा। इमोन के ऊपर से मैंने ये जिम्मेदारी हटा दी है। तो चलो, इसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक चेन भी है। नॉर्मली इस बैग में चेन नहीं होती, तो कुछ इस तरीके का है चेन के साथ। मैगी इसमें की तो मैगी बनी हुई है, मैगी नहीं, इसमें म्याऊं म्याऊं बनी हुई है। इमोन, हेलो इमोन। वालेकुम सलाम। अभी चले, रेडी हो? आर्यन को ले जाओगे कि रख के जाओगे? आर्यन रख के जाओगे घर? क्यों, बेचारे को बाहर तो घुमाओ, गर्मी भी तो है ना। चलो रेडी हो। और मेरा न्यू बैग देखो कैसा लगा। तुमने बोला इतना टाइम क्या लगा रही हूँ, मैं तैयार हो रही थी फिर इसमें सामान भर रही थी, तो इसलिए मेरा टाइम लग गया आज थोड़ा। लेट्स गो। तो गाइस, ये आ गए हम बच्चों के शॉप में। ये है एक पिंक कलर है, एक व्हाइट है, ग्रे कलर में, ठीक है। अभी देखते हैं बाकी बाकी वाले दुकान में कुछ पसंद आता है तो कलर ले लिया। कलर इन दोनों में से एक ले। 12,000, 14,000 और 20,000 यार। इधर ना हमें कुछ ऑप्शंस दिखे थे, अभी ना दूसरे शॉप में जा रहे हैं, उधर देख रहे हैं कुछ अगर पसंद आए। इधर से कुछ पसंद तो आया है, लेकिन प्राइस देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, फिर जाके डिसाइड करेंगे। तो चलो दूसरे शॉप पे जाते हैं। तो गाइस, सामान लेने से पहले कुछ ग्रोसरी करने आ गए। ये कुछ चीज़ लिया है, आम का मिलता है, और ये आर्यन के लिए बिस्किट, और ये ले रही हूँ आर्यन के लिए, शायद उसे चिप्स में ये पसंद आएगा। दूध, चॉकलेट मिल्क, और ये क्या, येलो कलर। एम्मापू के लिए तो लो, एक और लो, एम्मापू के लिए चॉकलेट ले लो, चॉकलेट। जाओ हम चारों के लिए, चार आर्यन को छोड़ के। इसमें एक ये ले रही हूँ आर्यन के लिए, छोटा वाला कॉर्नफ्लेक्स, आर्यन को ये वाला भी पसंद आएगा शायद, तो ये वाला लेके जा रही हूँ चॉकलेट फ्लेवर में। यहाँ से कुछ कप नूडल्स खरीद रहे हैं। पकड़ो इमोन, पकड़ो, ये लो पकड़ो, चार लूँ ये वाले कप नूडल्स, लो बस खत्म हमारी ग्रोसरी। यहाँ से कुछ रोटी लेनी है, ये वाली नहीं, एक गोल गोल होता है ना, गोल 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 गोल, ये ले दो, ये वाले। क्रीम तो नहीं है ना, क्या लिखा है, बर्गर ब्रेड, हाँ क्रीम नहीं। गाइस ये देखो कैसे जूस पी रहा है इमोन, कैसे भी हाँ थोड़ा सफर भी नहीं कर सकते थे, थोड़ा ड्राइव करके दूसरे दुकान जाते फिर पीते, इतनी प्यास लगी है। मैं इसलिए इतना प्यास लगी कि खरीदा मैंने, पता है, क्योंकि मैंने आइसक्रीम यार ये मैंने खोला है लेकिन अच्छे से निकल नहीं रहा है। ऐसे नहीं होते सर, ऊपर उठा के फिर मारा मैंने दबाया। अरे मुंह लगा रहा है उसमें, तो कचरा है, तब से भरा हुआ है। तो अभी कचरा तो चला गया, साफ हो गया ना। हाँ। बर्नर भी तो ऐसे ही पी रहा है मुंह लगा के, नहीं कचरे वाला इमोन ऊपर ऊपर करके पी लिया। ऐसे कुछ नहीं है, ये ऐसे ही पीते है, कचरा वचरा सब गया। तो गाइज अभी घर आ चुके हैं और सारा सामान जो है वो मैंने निकाल दिया है। और आर्यन के लिए मैंने ना दूध चेंज किया था, पहले सिमिलेक पीता था, तो अभी जो है ना मैं पेडियाश्योर दूध में गई हूँ, और ये वाला दूध उसे काफ़ी पसंद है। सिमिलेक थोड़ा सा पानी वाला होता है, और ये वाला पेडियाश्योर ना काफ़ी थिक होता है, और इसमें वनीला फ्लेवर है, तो इसको ये पसंद है। तो फिलहाल ये लेके आई हूँ, पहले एक टेस्ट किया था छोटा डब्बा लेके, उसको पसंद आया तो फिर मैंने ये ले लिया। और हम सब ने अपने ड्रिंक्स पी लिए, बाकी एमापू की ड्रिंक बच गई है, उनको देख के आती हूँ मैं। और ये कुछ ब्रेड वगैरह लिए हैं, बंस, कुछ सैंडविच बनाने के लिए, बर्गर्स। और ये वाला जो है ना, ये काफ़ी टेस्टी होता है, बांग्लादेश में मिलता है, आप लोगों के यहाँ मिलता है कि नहीं बताना, पाकिस्तान में तो कभी नहीं खाया मैंने ये। ये ना आम से बनता है, आम की जेली टाइप कुछ होता है, काफ़ी मज़ेदार। और एक्स्ट्रा जो मैंने ना ये चीज़ लिया है, निकलो निकलो निकलो, अरे निकलता ही नहीं,
तो गाइज मैंने कुछ ये लिया है, कभी मैं बाहर जाती हूँ काम से जाती हूँ, बहुत बार व्लॉग तो नहीं बना पाती लेकिन जब जब जाती रहती हूँ ना तो मेरे बैग में ये चीज़ हमेशा हो, कभी नाश्ता करके निकलते हैं कभी नहीं। तो ये एक एनर्जी बार है, इसमें काफ़ी एनर्जी है, ये देखो लिखा हुआ है 25% एनर्जी 41% फैट। अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं यार। लेकिन ये होल ग्रेन कुछ है कुकीज़ है जो कि एनर्जी बार की तरह होती है। कहाँ की बाय द वे, ये है PRC लिखा हुआ है तो यार। तो चलो जो भी है, चॉकलेट एंड नॉर्मल एक फ्लेवर है, तो ये वाला भी टेस्ट करेंगे कैसा है। ये वाला किड्स शॉप से लिया था तो 750 का पड़ा, काफ़ी महंगा ही पड़ता है ये चीज़ें क्योंकि ये बाहर से आती हैं। और बाकी इसमें है आर्यन के स्नैक्स वगैरह जो आज लिए थे, तो वो वाले मैं उससे बाद में ट्राई कराऊंगी। जाके देखते हैं कि आर्यन जो है ना वो उठा है कि नहीं उठा, और अपना सामान वगैरह सेट करती हूँ, पानी वानी पीती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी बहुत ही गर्मी है तो बहुत ही डिहाइड्रेशन हो रही है। गाइस एमापू को ठंडा ठंडा पसंद है, तो एमापू जो है ना उनको मैं बर्फ़ डाल के बना के देती हूँ। ये सिलिकॉन वाला जो है ना, ये भी मैंने ऑनलाइन खरीदा था, काफ़ी काम का आया, ये को और ऑर्डर देना पड़ेगा। तो चलो इसमें जल्दी जल्दी से बनाते हैं एक ठंडा ठंडा जूस। ये चीज़ देखने में काफ़ी अच्छी लगती है यार, मज़ा ही आ जाता है इसे देखने में। चलो इसको करते हैं मिक्स 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 मिक्स। ये हम आपको देख के आते हैं। चलो 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 चलो, आर्यन जो है ना अभी तक सो रहा है, चेयर ले लिए, आप लोगों को चेयर दिखाती हूँ मैं, लेकिन आर्यन उठ जाए फिर। तो चलो गाइस जल्दी जल्दी से एक बर्गर बनाते हैं, अंडे वाला बर्गर। तो ये रहे बर्गर के बन, और ये आलू का छिलका कहाँ से आया, सबसे पहले चार जो बर्गर के नीचे वाले पार्ट है वो नीचे रख देंगे। तो ये आ गए, और अभी जो है इसमें लगा देंगे सबसे पहले केचप, ये वाला केचप जल्दी जल्दी से। तो ये केचप जाएगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, निकलो 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 निकलो, निकल भी नहीं रहा यार, ये रहा ये रहा। गाइस एक अंडा जो है ना वो पूरा फटवट गया, बाकी जो है ना तीन अंडे ऐसे प्रो की तरह किए है ना एक ही फ्राइंग पैन में, मैं तीन तीन अंडे पका रही हूँ। ये देखो एक अंडा, दूसरा अंडा, तीसरा। कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है, देखे। अरे आर्यन बेबी कब उठे तुम, मम्मा की जान बोलो हेलो, अगले के कौन है नीचे, कौन है नीचे, ऐसे मजे की मुन अंडे बना रही हूँ ना, उंगलियां चाट रही हूँ, जल्दी जल्दी दो और फिर इसको जाना है अपने दोस्तों से मिलने। हाँ मुझे छोड़ के जाओगे, हाँ ना क्या, चलो मैं और आर्यन देखेंगे मूवी शूवी और जल्दी जल्दी चलते हैं, मूवी देखेंगे ना तुम्हें छोड़ के अकेले। मोबाइल टिकटॉक देखो, हाँ टिकटॉक कुछ तो ठीक है, अंडे शंडे पक गए, लेकिन यार इसकी हालत देखो, इतना तेल उड़ा, इतना तेल उड़ा कि सब कुछ छीटे, मतलब मुझे नहीं पता अंडा इस फ्राई होने में इतना तेल नहीं उड़ता यार, पता नहीं क्यों आज बहुत तेल उड़ा है, उछल उछल के तेल ने बड़ी ज्यादती की है आज मेरे साथ। तो गाइज ये ना रेडी हो चुका है, अभी डालते हैं मसाले। सबसे पहले तो घर में कुछ पार्सल्स आते हैं ना, तो उसके लिए डोमिनोज पिज़्ज़ा के ये ओरिगानो, तो ये थोड़े थोड़े डाल देते हैं, ये थोड़ा इसमें डालो, थोड़ा इसमें डालो, ये चीज़ चिली फ्लेक्स, जिसको स्पाइसी नहीं भी चाहिए उसको भी चिली फ्लेक्स दे दूंगी मैं तो आज, फिर ये तो मज़ा आएगा ना, थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स आएगा मुंह में। मैं तो दो चिली फ्लेक्स लेके आई थी, एक में ही काम हो गया, चलो इतना ही आई थिंक इज इनफ। और अभी जो है ना हम इसमें टोमेटोज की डिज़ाइनिंग कर देंगे, थोड़े चार चार टोमेटो रख देंगे सब में, और उसके बाद कुछ प्याज, ठीक है। और ये रहा हमारा अंडे वाला मज़ेदार बर्गर रेडी, कमेंट से बताना कैसा लगा। तो गाइज ये देखो चार चार अंडे वाले बर्गर रेडी हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, आप लोग मेहमानों को भी दे सकते हो स्पेशल अंडे वाली रेसिपी, और अभी जो रेसिपी नहीं बर्गर, और अभी इमोन को बुलाते हैं, बोलते हैं रिव्यू दो। आर्यन भी आ चुका है, इमोन भी आ चुका है, दोनों ने रेड रेड मैचिंग की हुई है किस खुशी में। हाँ मेरा देखो क्या कपड़ा है, और दोनों ने रेड रेड मैचिंग। आर्यन खाएगा, नो आर्यन को मैंने प्रिंगल्स दिया है ना, हाँ ये वाला लो, और आर्यन को मैंने संभल के यार उछल कूद करके सब कुछ ना निकल जाए, आराम आराम से खाना। कैसा लगा, हाँ कुछ अच्छा टेस्ट आ रहा है, पता है क्या डाला है, ये डोमिनोज के जो मिलते हैं ना चीज़ें, हाँ ये सारे ओरिगानो और चिली फ्लेक्स थोड़ा थोड़ा। आर्यन खाएगा, अंडा खाएगा ना, आर्यन का अंडा फेवरेट है ना, ये लो मामा डीम, ये क्या है, हाँ नाओ तुम ही खाओ, इमन अच्छा है, चलो अभी जाओ घूम के आओ, जाओ जाओ। तो गाइस कुछ दिन पहले माँ और अब्बा जो है ना वो चले गए थे, तो ये जो है ना CCTV कैमरा से कुछ फुटेज वो मैंने निकाल दिया था, तो माँ और अब्बा से मिल ही नहीं पाए क्योंकि आर्यन को सुलाना होता है, क्या क्या करना होता है रात को, तो रात को ना मतलब सो ही नहीं पाती, तो इसलिए सुबह आँख ही नहीं खुली, और माँ वाले बहुत अर्ली मॉर्निंग चले गए थे,
और बड़ा दुख हुआ, मिल नहीं पाए माँ और अब्बा से। और अभी जो है ना वो लोग गांव जा रहे हैं पंखा वंखा लेके, क्या क्या लेके, क्योंकि उधर बहुत गर्मी होती है गांव में। तो अभी गांव में एक बहुत चीज़ हो रही है, मतलब कुछ हो रहा है, सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, आपको जल्द पता चल जाएगा। तो बस बने रहिए इस व्लॉग में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और जल्दी ही आप लोगों से शेयर करूँगी एक बड़ी सी चीज़। तो गाइस अभी खा पी के कॉफी शॉफी पी के सब रेडी हो चुके हैं, और आर्यन भी नींद से उठ चुका था, तो ये चेयर ना हमने छुपा दी थी, अभी वो बेड बेड के गाने सुन रहा है, इसलिए मैंने ना इस चेयर को पूरा ढक दिया है। ये आर्यन के लिए एक सरप्राइज है। और एक बात क्या था कि ना ये आर्यन को हमें बचपन में लेके देनी चाहिए थी, लेकिन हमने आर्यन को हर एक चीज दिलाई लेकिन हमें ये चेयर ही नहीं दिला पाए। हमें लगा कि पता नहीं कैसे, मतलब हम लोग तो सारे बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं ना, तो हमें आइडिया नहीं था कि इस ये चेयर मतलब क्या काम कर सकती है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, हर एक चीज ली बस ये रह गई थी। तो अभी क्या हुआ कि ना मुझे मतलब मैगी भी हमारे घर में है ना, तो आर्यन को कुछ भी खाना देती हूँ तो मैगी को भी देता रहता है, फिर ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज से बचने के लिए, और दूसरा आर्यन हमारे साथ साथ बैठ के खाए, हम हमारे रूम में नहीं हमारे डाइनिंग टेबल में, क्योंकि हमेशा हम लोग ना डाइनिंग टेबल में बैठ के खाते हैं, लेकिन जब से आर्यन हुआ है तो हम लोग रूम में प्लेटें लेके आते हैं, फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है, आर्यन हमें खाना भी नहीं देता और मसले होते ज्यादा। तो मैं नॉर्मली तो आर्यन को खिला देती हूँ, उसके अलग से एक चेयर है खाने की, लेकिन ये वाली चेयर नहीं थी हमारे पास, तो सोचा कि ये वाली चेयर लेके और हमारे डाइनिंग एरिया में ये रख देंगे, तो जब हम खाएंगे ना कुछ भी, फिश खाए या फिर चिकन खाए या फिर फ्रूट्स खाए कुछ भी, या शाम के लिए कुछ खाते हैं ना बिस्किट वगैरह, तो आर्यन को प्रॉपर इधर बिठा के खिलाएंगे। और अभी देखो कौन आ रहा है, देख लो जिसकी बात कर रहे थे, और रिमोट लेके आया है मेरा बापू। आर्यन काम मम्मी तुम्हारे लिए क्या लेके आई है, देखो अभी आर्यन उस एज से बड़ा हो गया, ये तो 3-4 साल तक चलेगा। अरे खोला, अरे ने चकी, यार यार इसको तो देखो, ये चकी है यार, मछली, वेयर इज मछली, वेयर इज मछली, यू वॉन्ट टू सिट, टाइम रनिंग टाइम, बड़ा बेबी लोग 6 मंथ में प्रैक्टिस कराते हैं, हम 2 साल के अंदर प्रैक्टिस कराएंगे। यार कहाँ से पाँव जाएगा, खुद ही बैठेगा, बैठा तो खुद ही करेगा। अभी आर्यन को मम्मा ट्रीट देगी, ट्रीट मम्मा, आज ही मैं चिप्स लेके आई थी ना, आर्यन को एक दो खिला भी दी थी, उसे प्रिंगल्स पसंद है काफी, तो मैंने इसमें रख दिया। अल्लाह आर्यन, तो यार इस चेयर को लेने के लिए ना मैंने बड़ा सोचा क्या करे क्या करे, फिर मैंने एक ही दुकान में चेयर पसंद कर ली थी, फिर इमोन ने बोला एक और दुकान है उधर भी जाके देखते हैं, तो फिर क्या हुआ दूसरी दुकान में एक ब्लू ऑप्शन मिल गया, क्यूट से डिजाइन है, कार्टून कार्टून बने हुए, और ये ना चेयर में जो चीज है ना वो किसी दुकान में नहीं था, वो ये है देखो, मैंने तो पहले कभी भी नहीं देखा, बाकी चेयर्स में से होता है कि नहीं, ये खाने करते हैं, मैं इतना खुश हो गई। नॉर्मली क्या होता है ऐसे मिलते हैं, चिपका हुआ होता है सब, हाँ तो क्या है कि इधर से ही साफ करना पड़ेगा, अब ये धो सकते हैं, समथिंग वेरी डिफिकल्ट, तो ये वाली चीज इतनी इजी है, किचन में ले लेके जाके धो के आएंगे, इधर हल्दी नमक कुछ कोई भी खाना वाना दे देंगे इजीली, तो ये वाली चीज मुझे काफी 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 अच्छी लगी। और इस चीज में ऑप्शंस क्या क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ना इंक्लाइंड होते हैं पीछे ना, एक देखो बटन है इधर दिखाओ, तो ये चीज ये वाला बटन, तो ये चीज ना मैं चलाऊं सही से, तो मैंने दुकानदार को बोला बच्चे क्या सोसो के खाएगा तो ये वाला है, ये पता नहीं किस लिए दिया है, लेकिन कभी कभी खाना के सो जाता है शायद, और एक और थी ये चीज चेयर लेने के टाइम, किसी किसी चेयर में ना ये वाला ऑप्शन नहीं था, इधर आओ ये दिखाओ, हाँ पैर का सपोर्ट, हाँ ये बेल्ट की तरह होता है, हाँ ये बेल्ट, लेकिन बेल्ट इतना कम्फर्टेबल, बेल्ट तो है लेकिन किसी किसी में पैर का सपोर्ट नहीं, हाँ ये वाला नहीं था, तो बच्चा तो नीचे से निकल जाएगा। और इस चेयर में एक और चीज है कि ये पूरी चेयर जो है ना पूरा ही बहुत नीचे भी जाती है, और थोड़ा हाइट एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल, दबा के दिखाओ कैसे, मैं करूँ ये, चलो गाइस इमोन दिखाएगा कहाँ से होता है ये नई नई चेयर, आर्यन तुम तो नीचे बैठ के भी खा सकते हो, डाइनिंग टेबल में बैठने की जरूरत नहीं। और एक चीज है इमोन, ये वाला भी पैर वाला भी हिलता है ना नीचे वाला, इन हाँ ये भी आगे पीछे होता है, ये भी आगे पीछे, तो सारी टेबल चेयर जो है ना आगे पीछे होती रहती है। गाइस इसी के साथ ही आज का जो व्लॉग है वो एंड करती हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर देगा, और मेरा बेटा जो अभी तक चिप्स खाने में बिजी है, आर्यन बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय बाय।
등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행